दोस्तों आज मैं आपके लिए जो प्रोडक्ट की रिव्यू ले आया हूं वो ये है। जी हाँ दोस्तों, ये है एक फोल्डेबल ब्लूटूथ हेडफोन। आइए इस वीडियो में आपको बताता हूं कि ये प्रोडक्ट क्यों 1000 रुपीज में सबसे अच्छा है, सबसे कम्पीट करता है और क्यों आपको यही परचेज करना चाहिए अगर आप खर्चा करने जा रहे हैं 1000 रुपीज हेडसेट लेने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण शुक्ला और आपका ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, आपको इसका ओवरव्यू दिखाते हैं। तो दोस्तों ये हमारा हेडसेट है। जी हाँ दोस्तों, अभी ये पूरे शेप में नहीं है, खुलने के बाद ये कुछ ऐसा लगता है और अब ये आपको हेडसेट लग रहा होगा। तो यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि आप इसको आसानी से फोल्ड कर सकते हैं और ये काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है। अगर आप ट्रैवलिंग वगैरह ज्यादा करते हैं तो आप अपने बैकपैक में इसे आसानी से ले सकते हैं, काफी छोटा साइज हो जाता है ये। लेकिन जब आप इसको वापस से ओपन करते हैं ये ड्यूरेबल लॉक्स के साथ, तो वापस से अपने शेप में आ जाता है। दोस्तों इसके छोटे साइज या कॉम्पैक्टनेस से ये ना समझिएगा कि ये बड़े सर को नहीं फिट होगा। यहाँ पर आपको एडजस्टिंग बार्स मिले हैं जो कि आसानी से किसी बड़े साइज वाले सर को भी ग्रिप में ले लेगा और ये काफी ज्यादा स्ट्रेच भी होता है, काफी फ्लेक्सिबल है इसके स्ट्रैप्स, तो काफी ज्यादा स्ट्रेच होगा और कोई समस्या नहीं देगा आपके सर का साइज या शेप चाहे जैसा भी हो। दोस्तों एक बहुत अच्छी बात मुझे ये भी लगी कि इसमें जो ईयर कफ्स लगे हैं वो एडजस्टिंग टाइप है, मतलब कि ये देखिए ये मूवेबल है, तो आपका कान चाहे जिस शेप का हो ये अपने आप उसको एडजस्ट कर लेगा उसके शेप को। तो ये भी अच्छी बात हुई, आपको ज्यादा ये एक या पेन नहीं देगा अगर आप इसको लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं, किसी तरह का फोर्स नहीं अप्लाई करेगा ये। अगर कंफर्ट की बात करें तो यहां पर आपको एयरी कुशन दिया गया है, तो आपके स्कल को भी काफी आराम देने वाला है। दोस्तों मैंने इसका व्हाइट और पिंक कलर वाला वेरिएंट ऑर्डर किया है, दो और कलर अवेलेबल हैं। इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ऑल ओवर आपको प्लास्टिक मिला है जो कि काफी हाई क्वालिटी का है, तो टूटने वगैरह का चांसेस काफी कम है इसमें, और ग्लॉसी फिनिश का प्लास्टिक, और इधर आपको अनस्मूथ वाला टेक्टाइल फिनिश दिया गया है, तो ये काफी लग्जरियस लुक लाता है इस हेडसेट में और इसी वजह से इसको मेन वुमेन दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कुशन वगैरह की, तो यहां पर मतलब इसको छू के बार बार मुझे काफी मजा आता है क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट है। इसको एक बार आप कान में पहनते हैं तो इतना एहसास ही नहीं होता कि आप इतने बड़े हेडफोन या फिर इतने फीचरफुल हेडफोन को अपने कान पे पहने हुए हैं, क्योंकि यार इसकी जो ये कुशन है ना बहुत सॉफ्ट है, बहुत डेलिकेट है। और इसके अंदर आपको स्पीकर्स दिए गए हैं जिसपे क्लोथ की कवरिंग है ताकि डस्ट पार्टिकल्स अंदर न जाएं। राइट तरफ वाला जो ईयर कप है इसमें ज्यादा कुछ नहीं दिया गया है, पर जो लेफ्ट तरफ वाला ईयर कप है इसमें आपको कई सारी चीजें दी गई हैं, जैसे कि यहां पर लाइट दिया गया है, यहां पर माइक्रो यूएसबी सॉकेट इन दिया गया है, यहां पर ऑक्सिलरी पोर्ट दिया गया है और यहां पर एसडी कार्ड इनपुट दिया गया है और यहां पर कई सारी बटन दी गई है। सारी फंक्शंस आपको बाद में बताऊंगा। इससे आप चार्जिंग वगैरह कर सकते हैं, इसमें आप ऑक्सिलरी केबल लगा के अपने मोबाइल या कंप्यूटर से गाने सुन सकते हैं वायर्ड कनेक्शन के थ्रू, अगर आपको वायर्ड कनेक्शन करना है। एक और ऑप्शन है आपके पास कि आप इसमें एसडी कार्ड लगाइए और उससे गाने सुनिए, तो आप कोई भी डिवाइस से नहीं कनेक्ट होना चाहते तो एसडी कार्ड लगाइए, आईपॉड की तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर आपको बहुत ही बढ़िया लाइट मिलती है, डिस्को लाइट। इधर आएंगे तो आपको कुछ बटन्स दिए गए हैं, वॉल्यूम कंट्रोल, नेक्स्ट प्ले पॉज के लिए, और यहां पर आपको मिलता है इसका पावर ऑन। तो जैसे ही आप पावर ऑन करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे आप इसकी लाइट जलने लगी है, ये देखिए शायद आप देख पा रहे हो, मैं जरा अपनी लाइट्स बंद करता हूँ। तो ये देखिए लाइट्स बंद होने के बाद कुछ ऐसा लुक आता है, तो ये डिस्को लाइट जो जल रही है वो काफी मजा देगा अगर आप इसको पहन के अंधेरे में चलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक ब्लूटूथ हेडफोन है, तो अगर आपको कनेक्ट करना है इसको अपने स्मार्टफोन या फिर किसी ब्लूटूथ वाले डिवाइस के साथ, तो सिंपली ब्लूटूथ ओपन कीजिए अपने स्मार्टफोन का। लेट्स से अगर आपको स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करना है तो सेटिंग्स में जाइए और ब्लूटूथ ओपन कीजिए, और यहाँ देखिए ये ऑटोमेटिकली कनेक्टेड हो जाता है, इसका नाम है LPT660। और दोस्तों अच्छी बात यह है कि जब आप इसको कनेक्ट करते हैं किसी भी डिवाइस से तो इसमें आवाज आती है कि ब्लूटूथ डिवाइस इज कनेक्टेड, तो ये भी काफी अच्छा आपको फीडबैक मिल जाता है। अब हम थोड़े गाने वगैरह बजाते हैं, देखते हैं कि कैसी आवाज आती है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। मुझे मानना पड़ेगा दोस्तों जितना मैंने सोचा था उससे काफी अच्छी इसकी साउंड क्वालिटी है। जी हां दोस्तों, ये टक्कर देता है बहुत ही हाई एंड प्रोफेशनल हेडसेट्स को, जैसे कि बोस वगैरह को, मैंने सबको इस्तेमाल किया है और मानना पड़ेगा ये काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है अपने प्राइस ब्रैकेट के अंदर। दोस्तों इसके अंदर आपको अच्छा बेस मिलता है, क्लियरिटी भी काम भर की बहुत ही अच्छी क्लियरिटी भी उसी के हिसाब से एडजस्ट की गई है, तो बेस को मैच करता है और काफी अच्छी क्लियरिटी भी आपको मिलती है। इसको आप डेफिनेटली बाय कीजिए अगर आप देख रहे हैं एक ऐसे ही ब्लूटूथ हेडसेट के लिए जो आपका काम आसान कर दे, आपको वायरिंग वाली समस्या से तो मुक्त करे कम से कम। दोस्तों बेस्ट स्पेलिंग डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोडक्ट काफी अच्छा लगा होगा, मुझे बहुत पसंद आया बेसिकली, और मैं इसको काफी इस्तेमाल करने वाला हूं अपने डेली यूज में। वीडियो एडिट करूंगा प्रिसाइजली इसकी मदद से, गाने सुनूंगा रोज, और वो जो तार का ताम झाम रहता है ना ऐसा वाला, वो सब अब नहीं रहेगा क्योंकि अब सारा काम होगा ब्लूटूथ की मदद से। और
आईफोन यूजर्स, आई एम सॉरी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करने से आप दोस्तों को शेयर भी कीजिए, और ऐसी और इस वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही, चलता हूँ, बाय। और मैंने फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया था, ये मेरी रियल वॉइस है।